सो हेलो गाइज, स्वागत करता हूँ गाइज आज के एक न्यू वीडियो में। एंड गाइज आज की वीडियो भी खास होने वाली है। जी हाँ गाइज, गाइज आज की वीडियो इसलिए खास होने वाली है क्योंकि गाइज लॉन्चर आपको बहुत तरह के एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है प्ले स्टोर पर। मगर दोस्तों आज का एप्लीकेशन वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। सो गाइज वीडियो को अंत तक देख लेना। एंड गाइज अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। देखिए गाइज मेरे को बोलने के बाद भी आप दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब एंड दोस्तों बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर नहीं करते हो। आप दोस्तों वीडियोज़ तो देख लेते हो एंड गाइज बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हो। सो गाइज ऐसा प्लीज़ मत करना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो। तो चले गाइज वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइज, अगर मैंने आपको दोस्तों वीडियो में अगर नाम दे दिया तो आप गाइज प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लोगे, या फिर गाइज आप अपना प्ले स्टोर पर नाम डालोगे ये वाला, तो गाइज यहाँ पे आपको दोस्तों तरह तरह के एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगे। बट दोस्तों मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, आपको दोस्तों सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हो उसी एप्लीकेशन को। सो गाइज देख लीजिए, यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। सो गाइज ओपन करते देख लेगा, यहाँ पर आपको इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा। आपको दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देख लेना बिना स्किप करे। सो गाइज यहाँ पर एक्सेप्ट एंड स्टार्ट वाले पर क्लिक कर लेना, ओके वाले पर क्लिक कर लेना। अब देख लेगा ये स्वाइप अप करने को कह रहा है, तो गाइस हम इसको स्वाइप अप कर देते हैं। करने के बाद यहाँ पे ओके वाले पे दबा देना। ओके वाले पे दबाने के बाद यहाँ पे गाइस अलाउ वाले पे कर लेना। अलाउ वाले पे करने के बाद देख लेगा यहाँ पे कितना ज़्यादा अमेजिंग सा इंटरफेस आ चुका है। एंड गाइस यहाँ पे तरह तरह के सेटिंग भी है जो कि दोस्तों मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो गाइस यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। इसको नीचे करने के बाद देख लेगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। एंड गाइस इसमें कस्टमाइजेशन भी बहुत सारे, तो गाइस एक एक करके मैं सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को आपको दोस्तों लास्ट तक देख लेना बिना स्किप करे। तो देख लेगा सेटिंग में जाने के लिए आपको दोस्तों लॉन्चर सेटिंग में इस वाले में चले जाना। जाने के बाद आपको दोस्तों कट वाले पे कर लेना क्लिक। कट वाले पे क्लिक करने के बाद सेट डिफॉल्ट लॉन्चर पे आ जाना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको सिंपली कर लेना है। अब जो मैंने आपको लॉन्चर डाउनलोड करवाया वो सिंपली आपको यहाँ पे टैप कर लेना है। टैप करते देख लीजिएगा यहाँ पे आपका एप्लीकेशन ये जो है लग जाएगा। तो देख लीजिएगा मैं यहाँ पे टैप कर लेता हूँ। अब ये लॉन्चर जो है ये अप्लाई हो चुका है। होने के बाद फिर से उसी एप्लीकेशन में जाना है जो कि दोस्तों मैं आपको डाउनलोड करवाऊंगा। एंड गाइस यहाँ पे एडवर्ट चलेगा, तो गाइस ये थोड़ा सा फ्री है तो उसमें चलता ही है। दो चार चीज़ें प्रीमियम भी है तो गाइस उससे हम इग्नोर करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में क्या है, डेस्कटॉप में आप दोस्तों यहाँ पे देख लेगा ट्रांजेक्शन इफेक्ट है कि आप किस तरह का रखोगे किस तरह का नहीं रखोगे। सो गाइस इसमें एक ही है जो कि दे रखा है, बाकी सब प्रीमियम है। तो गाइस इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एंड गाइस यहाँ पे स्क्रीन जो है यहाँ पे आपको दोस्तों मिल जाता है कि किस तरह का आप रखोगे। तो गाइस यहाँ पे अगर ऑटो रोटेट पर रख लोगे तो आप जैसा ही स्क्रीन उल्टा करोगे तो उल्टा भी चलेगा, एंड गाइस सीधा रखोगे तो सीधा भी चलेगा। सो गाइस आपकी मर्जी आप किस तरह का रखोगे। एंड गाइस यहाँ पे देख लो आइकॉन साइज दोस्तों प्रीमियम है, उसको ऐसे छोड़ देते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आप हाइड वाइट करना चाहते हो लेवल वगैरह तो यहाँ पे कर सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे देख लो गाइस आइकॉन लेवल साइज भी है जो कि आप दोस्तों कस्टमाइज कर सकते हो ये कितना ज़्यादा एक कम रहे। यहाँ पे ये क्या है कि गाइस यहाँ पे आपको जो मिलता है ना राइटिंग से लिखा हुआ वो है। देखिए गाइस मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं कम कर देता हूँ एंड 66 कर देता हूँ। अब जैसे ओके करके मैं बाहर आता हूँ तो देखिए गाइस यहाँ जो रहेगा ना साइज जो आइकॉन के नीचे लिखे रहते हैं वो देखने गाइस कितने छोटे छोटे बन जाएंगे। देख लीजिए गाइस कितने छोटे छोटे बन चुके हैं। ये तो गाइस यहाँ क्या, एंड गाइस उस स्वाइप करता हूँ तो इसकी जो जितने भी राइटिंग वगैरह वो उतना ही है। तो देख लीजिए गाइस इसका बस चेंज हुआ। सो इसको वापसी नॉर्मल लाने के लिए आपको क्या करना है, लॉन्चर सेटिंग में वापसी आ जाना है। आने के बाद आपको सिंपली गाइस यहाँ पे एक ऐड चलेगा, फिर उसके बाद आपको दोस्तों वहाँ पे आ जाएगा। एंड गाइस इसको कट लगा लेते हैं। कट करने के बाद देख लीजिएगा यहाँ पे आपको फिर से डेस्कटॉप वाले पे चले जाना। एंड गाइस इसको आप 100 कर रख लेना। तो गाइस आपको जितना मर्जी है उतना रख सकते हो अपने हिसाब से। तो देख लेगा मैं 100 रख लेता हूँ। 100 रखने के बाद देख लेगा और भी है यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग है, एक एक करके बताऊँगा गाइस, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी। आप देख लेना गाइस यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग मिल जाती है जो कि फ्री में है। तो गाइस इससे बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद देख लेगा यहाँ पर आपको तो बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस वाले नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद देख लेगा गाइस यहाँ पे आपको भी तरह तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप जो दोस्तों स्क्रॉल करके जो राइटिंग वगैरह आता है उसका इसका अगर कम छोटा करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। सो गाइस आपकी मर्जी है। एंड गाइस अगर आइकॉन के लेवल का जो कलर है यानी कि दोस्तों राइटिंग है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे वाइट है ग्रीन है या फिर कुछ और भी रख सकते हो। यहाँ पर आप अपना रख सकते हो, देख लीजिएगा बहुत तरह के कलर आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप तो कस्टमाइज़ करना है तो यहाँ से आपको कस्टमाइज़ वगैरह भी कर सकते हो। तो गाइस इसको मैं अभी यहाँ पे दोस्तों वाइट ही रहने देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे देख लो गाइस इफेक्ट जो है स्क्रॉल इफेक्ट किस तरह का रहेगा। जैसे ये गाइस यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो किस तरह का आपको इफेक्ट दिखाई देगा। तो देख लेगा यहाँ पे तरह तरह के इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस इसके बाद आ जाते हैं स्वाइप अप पे। तो जैसे तो स्वाइप ऊपर करते हो तो किस तरह का होगा, स्वाइप करेंगे तो जूम आएगा या स्लाइड अप आएगा। सो गाइस इस तरह का आप कर सकते हो। एंड गाइस इसको कैंसिल कर लेते हैं। कैंसिल करने के बाद आप दोस्तों बाहर आ जाना। बाहर आने के बाद देख लेगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है इस वाले ऑप्शन में आ जाते हैं। एंड गाइस यहाँ पे देख लेगा यहाँ पे ये
बैकग्राउंड जो प्रीमियम है तो गाइस इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एंड गाइस यहाँ से अगर आप आइकॉन वगैरह भी उसका करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, एंड इससे ही बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद देख लेगा फोल्डर में, फोल्डर में अगर आप लगाना चाहते हो तो देख लेगा फोल्डर स्टाइल में किस तरह का रखना चाहते हो, या आइकॉन या फिर आइकॉन लेवल, उसका साइज जो होता है, कलर होता है, सब कुछ कर सकते हो गाइस। इसमें बहुत तरह के आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड दोस्तों थीम एंड दोस्तों आइकॉन पैक में आ जाते हैं। ये दोस्तों इस वीडियो की खास चीज़ है, देख लेगा थीम में चले जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पर देख लो आइकॉन पैक में आओगे तो गाइस आप अलग तरह का भी आइकॉन रख सकते हो, ऐसा नहीं गाइस जो ये आइकॉन देता है लॉन्चर वगैरह उसी तरह का रख सकते हो, जी नहीं गाइस आप तरह तरह के भी आइकॉन पैक रख सकते हो। जैसे कि गाइस मैं अगर यहाँ पे अगर सैमसंग का लगाता हूँ तो दोस्तों देख लीजिए एस10 लिखा हुआ है। सो गाइस मैं यहाँ पे अप्लाई वाले पे क्लिक कर लेता हूँ। करते ही देखिए गाइस मैं अगर बाहर आता हूँ तो जैसे आइकॉन था वैसे नहीं रहेगा गाइस, अब तरह का बदल चुका होगा दूसरे तरह के। तो देख लीजिएगा यहाँ पे S10 जो लिखा होता है उस तरह का आ चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है गाइस। आप भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो वो भी फ्री में। एंड गाइस यहाँ पे देख लो गाइस यहाँ पे थ्री रोड पे जाओगे तो यहाँ पे दोस्तों स्टाइल वाले में जाओगे तो यहाँ पे किस तरह का आप रखना चाहते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल या फिर दोस्तों लिस्ट वाइज, तो वहाँ पर लिस्ट पर करोगे तो देखिएगा लिस्ट जैसा आ जाएगा। एंड गाइस नीचे करोगे वही रहेगा, पर दोस्तों ऊपर करोगे तो लिस्ट जैसा आ जाएगा। तो गाइस आपकी मर्जी आप किस तरह का रखोगे स्टाइल। देख लीजिएगा मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रख लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है गाइस। आप अगर आपको मन नहीं है यानी कि दोस्तों दूसरा रखने जो है था पहले तो आपको सिंपली वैसे ही रख लेना, तो देख लीजिएगा वैसे ही चलने लग जाएगा। एंड गाइस वापसी सेटिंग में आ जाते हैं। सेटिंग में आने के बाद देख लीजिएगा फिर से एक ऐड चलेगा तो इसको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस हटने का। एंड गाइस यहाँ पे बैक आ जाते हैं एंड दोस्तों कट कर लेते हैं। कट करने के बाद थीम वाले पे देखा एंड यहाँ पे देख लो गाइस आइकॉन पैक तो हमने देख लिया, अलग तरह का भी आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे अंदर आते ही। देख लीजिएगा अलग अलग तरह का, अगर आपको दोस्तों और भी आइकॉन पैक चाहिए डाउनलोड कैसे करते हैं तो देख लीजिएगा मैं आपको लिंक दे दूँगा, उससे आप सीधा डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से डायरेक्ट। एंड गाइस यहाँ पे देख लो ऑल आइकॉन साइज वगैरह की किस तरह का रहेगा, फ्रंट है दोस्तों की किस तरह का रहेगा या किस तरह का नहीं रहेगा। डिफ़ॉल्ट अगर दोस्तों अलग से आपको चाहिए तो देख लीजिएगा इसके अंदर आ जाना। एंड गाइस यहाँ पे कुछ भी आप फ्रंट जो है वो चेंज कर सकते हो। सो गाइस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अगर दोस्तों स्क्रॉल स्पीड भी है वो भी चेंज कर सकते हो, एनिमेशन स्पीड भी है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग इसमें एप्लीकेशन में मिल जाता है। इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो गाइस वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड दोस्तों देख लीजिए एक लास्ट चीज़ ये रहा कि अगर आपको दोस्तों यहाँ पे टैब रखोगे एंड गाइस यहाँ पे विजिट्स में जाओगे तो देख लीजिएगा यहाँ पे तरह तरह के विजिट्स मिल जाते हैं आपको, वॉच का या फिर दोस्तों आपका जो अपना टाइम वगैरह रहता है। देखिएगा ये कितना ज़्यादा अमेजिंग है, जो पहले देता है या फिर दोस्तों आप कस्टमाइज करके रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। तो देखिएगा इसको रिमूव कर देते हैं एंड इसको ऊपर करके इसको गाइस सब नीचे कर लेते हैं, आपके मर्जी है दोस्तों ऊपर नीचे कहीं भी रख सकते हो। तो देख लेगा इसको मैं नीचे रख लेता हूँ एंड गाइस इसको मैं ऊपर रख लेता हूँ। सो गाइस ये आप काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है। अगर दोस्तों आपको इसको भी रिमूव करना है तो इसको भी रिमूव कर सकते हो। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर वीडियो जरा से पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर कर लेना गाइस, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलेगा इस वीडियो में आज की वीडियो में इतने बताना था। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चलिए गाइस जब तक के लिए जो दोस्तों जय हिंद जय भारत।